हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्विस पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने इसका लास्ट ऑर्गन जुडिशरी कंप्लीट किया। अब हम करेंगे जो स्विट्जरलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, इनके फीचर्स क्या हैं और इसके स्विट्जरलैंड में बहुत ही कम इम्पोर्टेंस है, इसके क्या कॉजेस हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, हम ये कहते हैं जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत ही स्पेशल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देती हैं, वो पब्लिक ओपिनियन है वो जनरेट करती हैं। अगर इलेक्शन होती हैं, इलेक्शन भी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही लड़े जाते हैं। इस तरह हर एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, अमेरिका में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अमेरिका में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इनको रेकग्नाइज नहीं करता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेकग्नाइज हैं। इनके रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 ये क्या कहते हैं, दे पॉलिटिकल पार्टीज contribute to the forming of public opinion and will of the people. लोगों की जो will होती है, लोगों की जो wishes होती है, वो सरकार तक कौन लेकर आता है? Political parties लेकर आती हैं and जे ही public opinion को generate करती हैं, form करती हैं। तो इनका बहुत ही important role होता है। हम जे मानते हैं कि जितने भी democratic countries हैं, अगर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो आम लोगों की जो बातें हैं वो गवर्नमेंट तक कभी नहीं पहुंच सकती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी एक मेन सोर्स होती है जिससे पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग पब्लिक के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो वहां पर स्विट्जरलैंड में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है इसकी क्या क्या मेन फीचर्स हैं, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रही हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से वहां पर लोग हैं खुद ही बिल को, जब भी कोई प्रपोजल है इनको इनिशिएट कर सकते हैं। इवन कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है वो भी आम लोगों के द्वारा इनिशिएट की जा सकती है। तो वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी मेन फीचर्स क्या है, फर्स्ट वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है वैसे ही वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी मल्टी पार्टी सिस्टम को डिफाइन करता है। वो कहता है अगर कोई भी पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है तो उसको फ्रीडम है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है वो फॉर्म कर सकता है। इस तरह वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है वो फॉर्म होती है। तो वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें स्विस पीपल्स पार्टी है, स्विस डेमोक्रेटिक पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। तो इस तरह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्ले कर रही है। नंबर टू, लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लूज ऑर्गेनाइज्ड हैं, मीनिंग जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का डिसिप्लिन होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर है, जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है वही करना पड़ता है, लेकिन वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज की फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत ही लूज होती है, जो पूरा साल काम नहीं करती है, वहां पर ना ही जरूरत है कि वो फुल ईयर एक्टिव रहे, क्योंकि वहां पर कोई भी इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लूज है। नंबर थर्ड, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। स्विट्जरलैंड के रिगार्डिंग जी कहा जाता है ना ही वहां पर कोई मेजोरिटी पार्टी है ना ही कोई ऑपोजिट पार्टी है, इसीलिए वहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट और मेजोरिटी पार्टी प्रिवेल करती है। वहां पर जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलते हैं उसकी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में दी जाती है, इसीलिए वहां पर
कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी और ऑपोजिशन में नहीं होती है, वहां पर सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इक्वल सीट्स डिवाइड की जाती हैं। नंबर फोर, लेस वाइटल रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंडिया की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। इंडिया में क्या है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी कंट्री में अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल प्रॉब्लम है तो इसके लिए सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। लेकिन वहां पर ना ही कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, इन इक्वालिटी है, वहां की सोसाइटी बहुत ही स्मूथ है, लोग प्यार से रहते हैं, इसीलिए वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी मौका नहीं मिलता है कि वो कोई मेजर इशू उठाए और उसको पॉइंट बनाकर आगे डिस्कस करें। इसीलिए वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ पार्टी स्ट्रिप्स। वहां पर पार्टी स्ट्रिप्स की भी एब्सेंस है। वहां पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है मोस्टली क्या करती है, वो दोनों जैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वहां पर बहुत जल्दी एग्री हो जाती हैं। वहां पर डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्शन ज्यादा टाइम नहीं रहते हैं, इसीलिए पार्टी स्ट्रिप्स की एब्सेंस होने की वजह से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो ज्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज पार्टी पॉलिटिक्स इज नॉट प्रोफेशन। वहां के लोगों का प्रोफेशन नहीं है कि वो पॉलिटिक्स को एज अ प्रोफेशन चूज करें। जैसे इंडिया में क्या है, जो मेंबर्स हैं मेंबर्स के अकॉर्डिंग ही पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं। हमारी कंट्री में तो पर्सनैलिटी कई पॉलिटिक्स है, जिसमें एक पर्सन की पर्सनैलिटी को देखकर उसके प्रोफेशन को देखकर ही वोट मांगे जाते हैं। लेकिन वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर प्रोफेशन नहीं बन सकता। अगर कुछ पर्सन एक्टिव होते हैं वो चाहते हैं हम सिस्टम में कुछ नया लेकर आने चाहते हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाते हैं या कैंटन्स का पार्ट बन जाते हैं, जिसकी जो इलेक्शन है 2 इयर्स के लिए होती है। तो आफ्टर 2 इयर्स वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को पॉलिटिक्स से इनएक्टिव कर लेते हैं। इस तरह वहां पर प्रोफेशनल नहीं है। एंड लास्ट वन इज ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एशियन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्विस पॉलिटिकल पार्टीज। वहां पर आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है और कुछ कंजर्वेटिव पार्टीज हैं। वो राइट विंग कंजर्वेशन को अपनी आइडियोलॉजी मानती हैं, जैसे स्विस पीपल्स पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है। इस तरह वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में डिफरेंट डिफरेंट होते हुए भी कंजर्वेशन और मॉडरेशन का बहुत अच्छा ब्लेंड है इसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो जी होगी फीचर्स ऑफ स्विस पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ कॉजेस ऑफ लेस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसका बहुत ही कम इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसकी क्या क्या कॉजेस हैं जिस वजह से स्विट्जरलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंडिया अमेरिका या फिर किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए होती है। तो फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ वाइटल इश्यूज। वहां पर सोशल इकोनॉमिक बहुत ज्यादा वाइटल इश्यूज नहीं है। वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करती है, फिर भी बहुत ज्यादा वाइटल इश्यूज ना होने की वजह से वो इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है। वहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी है, तो इकोनॉमिक बेस पर रिच और पुअर ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है। वहां के लोग ना ही ज्यादा रिच है ना ही ज्यादा पुअर है। वहां पर ना ही बहुत ज्यादा कास्टिज्म है रेसिज्म है। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी वो साथ में ही रहते हैं। वहां की इकोनॉमी में इंटरनेशनल लेवल पर भी न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट किया हुआ है, इसीलिए कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर नहीं बन पाता जिस पर कोई इशू क्रिएट हो और इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है पॉलिटिक्स खेल पाए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वहां की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल होगी
इंस्टेबिलिटी की वजह से वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती कि पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स की गेम है वो छेड़ सके, क्योंकि वहां पर रिच और पुअर इनका गैप नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल है, स्मूथ वर्क कर रही है, वहां के लोग बहुत ही लेबरस हैं, वहां की इकोनॉमी भी क्या है, बहुत ज्यादा पुअर नेचुरल रिसोर्सेस है, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा प्रोस्पर है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, वहां पर प्रोफेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर कुछ मेंबर्स एक्टिव होते हैं वो कैंटन या फिर फेडरल लेजिस्लेचर का मेंबर बन जाते हैं, आफ्टर टू इयर्स वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स को अपना प्रोफेशन नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ स्विस फेडरल एग्जीक्यूटिव, जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है उसकी नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्विट्जरलैंड में अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वह है स्विस फेडरल एग्जीक्यूटिव, जो फेडरल पार्लियामेंट से भी इंपॉर्टेंट है, वहां की जो फेडरल एग्जीक्यूटिव के मेंबर है जिस 7 मेंबर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट किए जाते हैं, जो बहुत ही मैच्योर इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जो क्या करते हैं नेशनल स्प्रिट है इसको मोटिवेट करते हैं, इनके लिए जो रेसिज्म है, कास्टिज्म है या फिर रीजनल डिस्पैरिटीज है इनके रिगार्डिंग कोई भी मैटर नहीं होता है, जो देश को एक यूनाइट कर रखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो इसके मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पर नहीं इलेक्ट किए जाते, वहां पर जी नहीं है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे उसी के ज्यादा मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, कोई भी स्विस सिटीजन है वो फेडरल गवर्नमेंट का मेंबर बन सकता है, अगर फेडरल गवर्नमेंट का कोई मेंबर बन जाता है तो उसको जो फेडरल लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट है इससे अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर है वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, ना ही उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पर चुना जाता है, उनको तो उनकी अबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिलीजियस एंटागोनिज्म, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है लेकिन फिर भी रिलीजन के नाम पर लोग आपस में कभी नहीं लड़ते हैं, तो रिलीजियस एंटागोनिज्म नहीं है, जिस वजह से पॉलिटिक्स है पार्टी पॉलिटिक्स को कभी भी चांस नहीं मिल सकता कि वो रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स खेल पाए। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वहां पर जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करी, पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कोई जो प्रॉब्लम्स है उसको पहले इनिशिएट करे, उससे पहले ही जो आम लोग हैं, आम लोग उस मुद्दे को उठा सकते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स है खुद ही लेजिस्लेचर के पास इनिशिएट कर देते हैं। वहां पर जो प्रोविजन है, अगर कोई फेडरल लॉ फेडरल पार्लियामेंट पास कर देती है, अगर उस पर 90 डेज के बिटवीन अगर यहाँ के जो सिटीजन हैं वो इनिशिएट करते हैं, वो 50,000 पर्सन हैं साइन कर गए कि इस पर रिफरेंडम होना चाहिए, तो फेडरल पार्लियामेंट के लिए कंपल्शन है कि रिफरेंडम होगा, अगर वो बिल रिफरेंडम में पास हो जाता है तभी बिल लॉ बनेगा, अदरवाइज बिल लॉ नहीं बन सकता है, तो अल्टीमेट लास्ट अथॉरिटी है वो लोगों को ही दी गई है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास ज्यादा पावर नहीं है, आम लोगों को ही पावर दी गई है। एंड नेचर ऑफ स्विस पीपल, जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं इनकी नेचर क्या है, जे भी बहुत ही शांत नेचर के हैं, जे छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट करना प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती है, जिस वजह से ना ही चीज इतनी इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसका रोल है, इसके रिगार्डिंग हम कैसे कंक्लूड करते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड बरी वो क्या कहते हैं, इन स्विट्जरलैंड पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ रोल far inferior
दैट ऑफ पार्टीज इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस में, इंडिया में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो उससे भी बहुत ज्यादा दूर इंफीरियर होती हैं, वहां की पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी भी एक पॉइंट को लेकर पॉलिटिक्स खेल पाए। जैसे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, इसके लिए रीजनल पॉलिटिक्स है वो भी खेली जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो वे दिस हमारा स्विस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जो कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट सेशन में स्विस प्रेशर ग्रुप्स करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।